द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी डीसी डीडी अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परम्बरत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परम्बरत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है। संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा एसके अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट टैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वीति गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां डीसी डीडी अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वीति अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस ग्रह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल
केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोगा एक सीरियल किलर था गलत था अभिजीत के लिए। मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकर्ती का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे। अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पन्नम को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब खीका खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुँच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च
मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के प्रम्ब्र चटर्जी राइमा सेन अनिल भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कौन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है सोमिक्स अल्दर का है संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था भाषा बंगाली बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। सन 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड
इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस ग्रह का हिस्सा था। इस बात एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो ग्रहों के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोका एक सीरियल किलर था गलत था अभिजीत के लिए। मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोका का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोका द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकर्ती का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोका के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोका और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे। अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोका बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोका वास्तव में पलटन है और जो खोका का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोका और वास्तविक खोका का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोका है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोका को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर पर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पंडम को निलंबित कर दिया और खोका को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब खीका खोका को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोका की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोका का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोका को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोका का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोका को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोका को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुँच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोका ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ते
बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्थ पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री अजीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी राइमा सेन अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री अजीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा। वर्णन करता है परमव्रत चट्टोपाध्याय। छायांकन है सोमिक्स अलदर का है। संपादित किया गया दास गुप्ता द्वारा। संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। सन 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट टैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा
के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोका एक सीरियल किलर था गलत था अभिजीत के लिए। मुताबित वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूँकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोका और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीती पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोका बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोका वास्तव में पलटन है और जो खोका का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोका और वास्तविक खोका का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोका है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोका को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर पर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पंडम को निलंबित कर दिया और खोका को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब खीका खोका को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोका की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिके के पकड़ा दिया और खोका का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोका को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोका का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहाँ उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोका को ठिकाने को ट्रैक करती और 3 हत्याएं करती है ताकि खोका को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुँच सके। फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोका ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक
माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है, जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कौन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की उत्पादित किया गया। श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है, संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा, रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई, कार्यक्रम 128 मिनट का था, देश भारत था, भाषा बंगाली, बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। सन 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वीति गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पर पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे की अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्य
सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस ग्रह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो ग्रहों के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए प्रणब को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब सीखा खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिके के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुँच सके। फिल्म
फिर इस फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था। और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के प्रम्भ चटर्जी, राइमा सेन, अनिल भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है। संपादित किया गया दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। सन 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट टैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी ग्रोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने ग्रोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिताता
बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक पर शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए एक सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस ग्रह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो ग्रहों के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था अभिजीत के लिए। मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृती का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मेल में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर पर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए प्रणब को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब खीका खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने
में मदद मिल सके और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता है और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है, उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अलदर का है, संपादित किया गया दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा, रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई, कार्यक्रम 128 मिनट का था, देश भारत था, भाषा बंगाली, बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करे। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन
में और उसी तरह से की थी उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक पर शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे। अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर पर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पंडम को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब खीका खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए
विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था। और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा। वर्णन करता है परमव्रत चट्टोपाध्याय। छायांकन है सोमिक्स अलदर का है। संपादित किया गया दास गुप्ता द्वारा। संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट टैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वीति गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो 1 महीने पहले जेल से बाहर आया था।
जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक पर शक है। और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबित वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूँकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीती पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर पर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पन्नम को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब सीखा खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा
का जीवन जीना स्वीकार किया और उस और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पल्टन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पल्टन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पल्टन पहुंच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पल्टन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है। संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां DC DD अभिजीत पर पाकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे थे और
हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो एक महीने पहले जेल से भरा बाहर आया था। जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्य सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंद्वी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृती का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने DIC पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पन्नम को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के DIG के नौकर से यह सब सीखा खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को जोड़ने के लिए DIG ने आदमी को
विकेक के पकड़ना दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपनी जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और उस और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने DIG या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के प्रमब्र चटर्जी, राइमा सेन, अनिल भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया है परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य, गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है परमव्रत चट्टोपाध्याय, छायांकन है सोमिक्स अल्दर का है, संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा, रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई, कार्यक्रम 128 मिनट का था, देश भारत था, भाषा बंगाली, बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइनाटाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइनाटाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां डी
डीसीडीडी अभिजीत पकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे थे और हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो एक महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए एक सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृती का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे। अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने डीआईसी पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए पन्नम को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के डीआईजी के नौकर से यह सब खीका खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की मां ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान
को 1 रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए डीओसी डीआईजी ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपनी जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने डीआईजी या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है, उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक्स अलदर का है, संपादित किया गया दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए, प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई, वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा, रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई, कार्यक्रम 128 मिनट का था, देश भारत था, भाषा बंगाली, बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट टैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब
उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां डीसी डीडी अभिजीत पकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे थे और हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो एक महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने डीआईसी पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए प्रणब को निलंबित कर दिया और खोखा को नए परिवार और अभिजीत पकृषि से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के डीआईजी के नौकर से यह सब खीका खोखा को दिखाने गई जो आसनसोल
के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोखा की माँ ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को 1 रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए डीआईजी ने आदमी को बिकेक के पकड़ा दिया और खोखा का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोखा को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोखा का जीवन जीना स्वीकार किया और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया, जहां उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोखा को ठिकाने को ट्रैक करती और 3 हत्याएं करती है ताकि खोखा को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके। और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोखा ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने डीआईजी या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोखा और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोखा का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्री जीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म बैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के परम्बर चटर्जी, राइमा सेन, अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोखा की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्री जीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है। संपादित किया गया उन्हें दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए गए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिए बोल खोखा SK अपने बॉस को बताते हुए खोखा आ गया और खोखा अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़दार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोखा 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंद्वी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला
मार डाला गया और फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां डीसी डीडी अभिजीत पकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे थे और हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो एक महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था। वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था। इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी। समाचार चैनल टीवी बंगाल में प्राप्त करने पुराने समाचार वीडियो फुटेज से अभिजीत को गोरा नाम का एक व्यक्ति मिलता है और वह पिछले सभी हत्याओं के स्थलों के मौजूद पर वह उसका सामना करता है और जिससे वह उनके खोखा के संबंध या स्मृति होने से इनकार किया। इस समय के साथ एक और हत्या होती है और उसी तरह एक मुखबिर की। शुक्र है कि इस बीच अभिजीत और अमृता को उनकी शादी की काउंसलिंग के बाद सुलह कर लिया गया है, लेकिन उनकी खुशी कई त्रासदियों की घिरी हुई थी और जो एक के बाद एक रजत को भी खोखा और उसी तरह से उसके द्वारा निर्दयता से मार डाला गया था। उसकी प्रेमिका अंकित और अभिजीत ही पागल हो गए थे और अंत में अभिजीत अपनी पवित्रता हासिल करते हुए जिमी को पकड़ लेता है और उसे अंतिम तस्लीम के लिए चाइना टाउन में के पुराने जले हुए मील में खोखा बुलाने के लिए उसे चकाले और नीले रंग के पीटने के लिए मजबूर करता है। प्रारंभिक मौखिक टकराव के बाद यह पता चलता है कि खोखा वास्तव में पलटन है और जो खोखा का प्रेमी है और उसे गलत तरीके से हिरासत में लिया गया था ताकि वह पहचान ले कि वास्तविक खोखा और वास्तविक खोखा का नया जीवन किस जी सकते हैं। यह भी पता चलता है कि अभिजीत कोई और नहीं बल्कि खोखा है। ऐसा इसलिए किया गया था कि क्योंकि जब खोखा को हिरासत में लिया गया था तो उसे इंस्पेक्टर रे चौधरी द्वारा इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि वह स्मृति लोप के लिए अपनी याददाश्त खो बैठता और पुलिस के पुराने डीआईसी पुलिस की बर्बरता के बारे में पश्चाताप करते हुए प्रणब को निलंबित कर दिया और खोखा को ने परिवार और अभिजीत
पकृषी से रूप में नई पहचान दी और छोटे भाई और भाभी ने उन्हें गोद लिया था। पलटन के डीआईजी के नौकर से यह सब खीका खोका को दिखाने गई जो जो आसनसोल के लिए जा रहा था और उसे पिछले जन्म की याद दिलाने की कोशिश की, लेकिन खोका की माँ ने उसे भगा दिया और उसे भिखारी समझकर हैरान को एक रुपया दिया। पलटन मानो चोट के अपमान को चोट जोड़ने के लिए डीआईजी ने आदमी को बिके के पकड़ा दिया और खोका का जीवन जीने के लिए मजबूर किया। पलटन खोका को बहुत प्यार करती थी और इसलिए उसने अपने जेल की अवधि पूरी करने के लिए खोका का जीवन जीना स्वीकार किया और उस और फिर सुधार गृह में वह जेल भेज दिया गया जहाँ उन्होंने कई साल बिताए और जेल के लिए विशेष व्यवस्था और वास्तव में उनकी देखभाल के लिए 25 साल बाद जेल से रिहा होने के बाद पलटन खोका को ठिकाने को ट्रैक करती है और 3 हत्याएं करती है ताकि खोका को उसके अतीत को याद करने में मदद मिल सके और वह पलटन ही थी जो गोरा के संपर्क में थी ताकि अभिजीत पलटन पहुंच सके। फिल्म फिर एक अंतिम मोड़ पर समाप्त हो जाती है जो 1993 में वापस प्रकट होती है। खोका ने वास्तव में अपनी याददाश्त कभी नहीं खोई थी और वह केवल एक अस्थायी भूलने की बीमारी से पीड़ित था और उसने डीआईजी या अपने दस्तक माता पिता को कभी नहीं बताया था कि उसकी याददाश्त वापस आ गई है, अन्यथा उसे जेल भेज दिया जाता और वह हमेशा के लिए बर्बाद कर दिया जाता। उन्होंने अवसर का लाभ उठाया और जीवन में आगे बढ़ गए और एक बेहद ईमानदार पुलिस अधिकारी के रूप में, जैसा कि अंतिम दृश्य में दिखाया गया कि जहां एक अस्पताल में कर्मचारियों को खोका और एक फास्ट फूड स्टॉल से अभिजीत ने खोका का पसंदीदा भोजन चिकन चाउमीन और मिर्च मछली अभिजीत जिसके मर्त पलटन से उसके 1 रुपये का सिक्का एकत्र किया था और उसे अवकाश की ओर उछालता और फिर पहली बार शायद आखिरी बार दर्शकों को यह और चालाकी से मुस्कुराता है। द्वितीय पुरुष बंगाली मूवी के फैक्टर रिव्यू। द्वितीय पुरुष 2020 की एक भारतीय बंगाली थ्रिलर फिल्म है जिसके निर्देशक श्रीजीत मुखर्जी ने किया और श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा इसको निर्देशित किया गया था। यह 2011 की आई फिल्म वैसे सर्वे का सिक्कल है जो फिल्म के प्रमुख चटर्जी राइमा सेन अनि भट्टाचार्य और फिल्म की कहानी DC DD अभिजीत पाकराशी द्वारा एक हत्यारे खोका की गिरफ्तारी के बाद की। यह फिल्म को नाटकीय रूप से 23 जनवरी 2020 को रिलीज किया गया था। यह जासूसी लेखकों अगाथा क्रिस्टी और ऑर्थर कोन डोयल को श्रद्धांजलि थी। फिल्म की अभिनय की अभिजीत पक्षी के जीवन को अधिक विस्तार से दिखाया गया है। फिल्म में उनके जीवन के लिए कई मोड़ दिखाए गए थे। फिल्म का निर्देशन श्रीजीत मुखर्जी द्वारा किया गया और लेखक सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी द्वारा है। पटकथा श्रीजीत मुखर्जी द्वारा, कहानी सोनकर बनर्जी और श्रीजीत मुखर्जी की है। उत्पादित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा और अभिनीत किया परमव्रत चटर्जी और राइमा सेन और अनिबन भट्टाचार्य गौरव चक्रवर्ती द्वारा वर्णन करता है। परमव्रत चट्टोपाध्याय छायांकन है, सोमिक अल्दर का है। संपादित किया गया प्रणय दास गुप्ता द्वारा, संगीत अनुपम रॉय द्वारा दिए। प्रोडक्शन कंपनी श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा दी गई। वितरित किया गया श्री वेंकटेश फिल्म द्वारा। रिलीज की तारीख 23 जनवरी 2020 को दी गई। कार्यक्रम 128 मिनट का था। देश भारत था। भाषा बंगाली। बॉक्स ऑफिस पर अनुमति 5 करोड़ की थी। कथनांक में देखा गया है कि मलिक के गिये बोल खोका एसके अपने बॉस को बताते हुए खोका आ गया और खोका अनिबन भट्टाचार्य एक रेस्तरा में वेटर को आदेश देते हुए कि एक झाड़धार चाकू लाते हुए शुरुआती क्रेडिट वर्तमान चाइना टाउन कोलकाता में दिन प्रतिदिन गतिविधियों को दिखाते हैं। पर्यटकों के एक आकर्षण और गैंगस्टर दोनों का स्थान है। 1993 में एक गृह युद्ध जिसमें पुलिस और राजनीति शामिल थी, वह एक दौरान 3 जघन्य हत्याएं की गई और खोका 15/16 वर्षीय ड्रग एडिक्ट गैंग लीडर्स चाइना टाउन्स में ये पीड़ित इस प्रकार थे। रुचि एवं प्रतिद्वंदी गिरोह का सदस्य उसके पेट के एक निचले हिस्से में चाकू मार गया और फिर उसने अपने गिरोह के सदस्य कालू को आदेश दिया कि वह उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखने के लिए इसका इस्तेमाल करें। एक अज्ञात पुलिस मुखबिर कालू द्वारा
एक नोटरी में बॉक्स में ऑफ स्क्रीन उस तरह से उसका गला काट दिया गया और फिर उसका इस्तेमाल उस व्यक्ति के माथे पर उसका नाम लिखने के लिए किया गया था। पुलिस अधिकारी प्रतिम चौधरी उन्हें लगा तलवार जैसे चाकू से काटकर माला मार डाला गया और फिर चाकू फिर कालू ने हथियार का इस्तेमाल करके उस व्यक्ति के माथे पर अपना नाम लिखवा दिया। जब उन्हें प्रबीर रॉय चौधरी बड़े भाई इंस्पेक्टर प्रणब रॉय चौधरी ने पकड़ लिया था। कहानी 2019 में आगे बढ़ती है और जहां डीसी डीडी अभिजीत पकराशी को नियमित रूप से वैसे सर्वे के अंतिम दृश्य से परेशान हो रहे थे और हो रहे हैं को पुलिस आयुक्त दिवाकर बोस द्वारा खोखा को पकड़ने के लिए एक मामला दिया गया था जो एक महीने पहले जेल से बाहर आया और गिरोह के प्रतिनिधि नेता हारू की हत्या उसी पोर्टन में और उसी तरह से की थी, उसी जगह जैसा उन्होंने 1993 में किया था। अभिजीत खुद अपनी पत्नी अमृता के साथ एक कठिन समय बिता रहे हैं और कारण वह अपनी पत्नी अमृता को समय नहीं दे पाते और उन्हें अपनी पत्नी का शक है और उनके पत्रकार सहयोगी सूर्यन सिन्हा के साथ अफेयर चल रहा था। और बहरहाल अभिजीत इस बीच अमृता की निराशा के लिए एक युवा साथी अधिकारी राजत चक्रवर्ती के साथ जांच शुरू करता है और वह उसे अपने साथ बिताने के लिए कई समय नहीं देगा। 1993 में खोखा के गिरोह के लिए एक सबसे बड़ा प्रतिद्वंदी अफरोज का गिरोह था। अफरोज के बाद में पुलिस हिरासत में मौत को हो गई और कुछ कैदियों ने उसे पीट पीट कर मार डाला। अब्दुल अफरोज के गैंग में सेकंड इन कमांड था, वह हैदराबाद भाग गया और बाकी सभी पार्क सर्कल क्षेत्र में बिखरे हुए थे। इसी रूमी इस गिरोह का हिस्सा था। एक बात स्पष्ट है कि वास्तविक हत्याओं का कोई गवाह नहीं है। प्रत्येक मामले में केवल शरीर पर या शरीर का कोई अंग पाया गया है। अब अगर ये गैंगवार का हिस्सा होते तो गिरोह के सदस्य व गवाह हो सकते थे, लेकिन उन्होंने स्पष्ट रूप से उस समय ऐसा नहीं किया। अब वे ऐसा नहीं कर पाएंगे। उनमें से अधिकांश को पुलिस ने गोली मार दी और वे जेल में सड़ रहे हैं या वे किसी अन्य व्यवसाय में हैं। यह तथ्य कि खोखा एक सीरियल किलर था गलत था। अभिजीत के लिए मुताबिक वह विरोधी गिरोह या पुलिस को पर डराने के लिए पीड़ित के माथे पर चाकू से अपना नाम लिखवा देता था। असली सवाल मकसद उन लोगों को मारने के पीछे खोखा का मकसद क्या था, इसके अलावा माथे पर नक्सली के बारे में क्या, चूंकि इस बात का कोई परिणाम नहीं था कि वह खोखा द्वारा किया गया है या क्योंकि इस खुदकृति का नक्सली थी।